हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे ई कॉमर्स का लेवल टू के क्वेश्चंस एमसीक्यूज हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने लेवल वन के एमसीक्यूज हमने सॉल्व कर चुका है। ठीक है, अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उसे देखिए। ठीक है, जिससे आपको ये वाली वीडियो भी अच्छे से समझ आ सके। ठीक है, तो लेवल टू ई कॉमर्स के हम एमसीक्यूज को हम आगे सॉल्व करना शुरू करते हैं। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन। ठीक है, विच इज़ द मॉडल इन ई कॉमर्स इफ द सेलर एंड बायर आर बोथ बिजनेस फर्म्स। ठीक है, तो ई कॉमर्स में कौन सा मॉडल है यदि विक्रेता और खरीदार दोनों व्यावसायिक फर्म हैं। ठीक है, सेलर और खरीदार, भाई जो बेचने वाला है और जो खरीदने वाला है, वो दोनों क्या है, बिजनेस है। ठीक है, सेलर एंड बायर बोथ आर बिजनेस फर्म्स। ठीक है, जो सेलर है और जो बायर है, ठीक है, ये दोनों क्या है, बिजनेस फर्म्स है। ठीक है, बिजनेस फर्म्स है। ठीक है, तो सेलर और बायर दोनों बिजनेस है, तो ये क्या हो जाएगा, बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है, तो पहले का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, सेलर भी क्या हो रहा है, बिजनेसमैन हो जा रहा है, और जो बायर है, ठीक है, खरीदने वाला है, वो भी क्या हो रहा है, आपका बिजनेसमैन हो जा रहा है, इसलिए क्या होगा, बिजनेस टू बिजनेस। क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं, विच इज़ द मॉडल इन ई कॉमर्स इफ द सेलर इज ए बिजनेस एंड इंडिविजुअल इज एन कंज्यूमर। ठीक है, तो हमेशा देख लीजिए, आपको हमेशा पहले आपको सेलर लिखना है और उसके बाद क्या लिखना है, कंज्यूमर यानी बायर। ठीक है, बायर, ठीक है, या फिर कंज्यूमर, इसी को एक बायर बोलते हैं, उसी को कंज्यूमर बोलते हैं। ठीक है, जो खरीदने वाला है वही कंज्यूमर कहलाता है, वही उपभोक्ता कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो सेलर है वो क्या है, बिजनेसमैन है, बिजनेस है, और जो खरीदार है वो क्या है, कंज्यूमर है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बिजनेस टू कंज्यूमर। ठीक है, तो बिजनेस टू कंज्यूमर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो सेलर है, सेलर है वो क्या है, बिजनेस है, और जो इंडिविजुअल है यानी व्यक्ति है वो क्या है, कंज्यूमर है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, बिजनेस टू कंज्यूमर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर तीन देखते हैं, विच इज़ द मॉडल इन ई कॉमर्स इफ द सेलर, देखिए यहाँ पे सेलर इज एन इंडिविजुअल यानी व्यक्ति है, और बायर इज एन बिजनेस फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से आप लिख लीजिए, पहले सेलर लिखते हैं, हमेशा सेलर लिख लीजिए, और उसके यहाँ पे क्या लिख लीजिए, आप बायर लिख लीजिए, बायर या कंज्यूमर। ठीक है, तो सेलर क्या है, आपको देख लीजिए, सेलर क्या है, सेलर इज एन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल यानी व्यक्ति, व्यक्ति यानी आपका कंज्यूमर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंज्यूमर भाई व्यक्ति है, इंडिविजुअल है यानी व्यक्ति है। ठीक है, इंडिविजुअल यानी होता है व्यक्ति। ठीक है, या फिर कंज्यूमर। ठीक है, और बायर क्या है, आपका बायर क्या है, बिजनेस है। ठीक है, आप हमेशा ध्यान रखें, पहले आपको सेलर को लिखना है, बाद में आपको क्या लिखना है, बायर को लिखना है, फिर सेलर क्या है उसको लिख देना है, फिर बायर क्या है उसको लिख देना है। फिर यहाँ से देखिए, कंज्यूमर टू बिजनेस जम रहा है, तो कंज्यूमर टू बिजनेस किस में जम रहा है, ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, तो ये आपको याद रखने का आपका ट्रिक है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ द मॉडल इन ई कॉमर्स इफ द सेलर, ठीक है, सेलर एंड द बायर बोथ आर इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स यानी व्यक्ति है या फिर कंज्यूमर है। ठीक है, तो फिर से मैंने बताया था, यहाँ पे आप सेलर लिख लीजिए और यहाँ पे आप क्या लिख लीजिए, बायर लिख लीजिए। सेलर क्या है, आपका इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल है यानी व्यक्ति है, व्यक्ति को ही हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर बोलते हैं। ठीक है, और बायर भी क्या है, आपका इंडिविजुअल है। ठीक है, ठीक है, बोथ आर इंडिविजुअल बोल रहा है ना। ई कॉमर्स में कौन सा मॉडल है यदि विक्रेता और खरीदार दोनों क्या है, आपका व्यक्ति है। ठीक है, सेलर यानी विक्रेता और खरीदार यानी बायर। ठीक है, ये दोनों क्या है, आपका व्यक्ति है, कंज्यूमर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। देखिए, कंज्यूमर टू कंज्यूमर किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी में आपका कंज्यूमर टू कंज्यूमर आ रहा है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमेशा आपको क्या देना है, देखना है, पहले सेलर को लिखना है, फिर बायर को लिखना है, फिर देखना है सेलर इंडिविजुअल है तो कंज्यूमर, और बायर भी इंडिविजुअल है तो कंज्यूमर, बिजनेस है तो बिजनेस लिख देना है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑप्शन इन ई कॉमर्स हेल्प्स यानी सहायता करता है टू कीप सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स अंटिल चेकआउट पेमेंट। ठीक है, ई कॉमर्स में कौन सा विकल्प चयनित उत्पादों को चेकआउट भुगतान करने तक रखने में मदद करता है। ये देखिए, मैंने आपको अभी इससे पहले वाले वीडियो में जब एग्जांपल दे रहा था, अमेजन से जैसे आपको कोई सामान मंगाना है, जैसे शूज़ ही मंगाना है आपने, जूता, ठीक है, आपको कोई शूज़ पहले ही पसंद आ गया। ठीक है, तो आप क्या करोगे, उसे कार्ट में डाल के रख दोगे। ठीक है, शूज़ ऐड करके एक बटन आएगा आपको, ऐड टू कार्ट। ठीक है, ऐड टू कार्ट। ठीक है, तो आप जैसे ऐड टू कार्ट करोगे इस शूज़ को, तो ये वाला शूज़ क्या हो जाएगा, एक कार्ट में, बास्केट में डल जाएगा। अब लेकिन आप फिर आप स्क्रॉल कर रहे हो अमेजन में, ठीक है, वेबसाइट में, और फिर आपको क्या पता चलता है कि एक और शूज़ आपको पसंद आ जाता है।
ठीक है, तो उसे भी आप क्या कर दो, कार्ट में डाल के रख दोगे। आप क्या होगा, ये कार्ट में तब तक रहेगा जब तक आप उसे क्या कर नहीं कर दोगे, पेमेंट नहीं कर दोगे, तब तक ये आपका कार्ट में रहेगा। तो ये वही पूछ रहा है, विच ऑप्शन इन ई कॉमर्स, ई कॉमर्स है ना, हेल्प्स हेल्प सहायता करता है, तो कीप कीप यानी रखना, कीप यानी रखना, सिलेक्टेड प्रोडक्ट, सिलेक्टेड प्रोडक्ट यानी वही शूज, अनटिल अनटिल मतलब जब तक चेकआउट नहीं कर देते या पेमेंट नहीं कर देते, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, पाँचवा में ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी कार्ट, इसी को हम क्या बोलते हैं कार्ट। छठवा देखते हैं, विच इज द फंक्शन ऑफ स्पेसिफाइंग एक्सेस राइट्स टू रिसोर्सेज रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, सूचना सुरक्षा से संबंधित संसाधनों तक पहुंच अधिकार निर्देश करने का कार्य कौन करता है, ठीक है, विच इज द फंक्शन ऑफ स्पेसिफाइंग एक्सेस राइट्स टू रिसोर्सेज रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, ठीक है, तो छठवा का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी ऑथराइजेशन, ठीक है, विच इज द फंक्शन ऑफ स्पेसिफाइंग एक्सेस राइट्स टू रिसोर्सेज रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, ठीक है, सूचना सुरक्षा से संबंधित संसाधनों तक पहुंच अधिकार निर्दिष्ट करने का कार्य कौन सा है, तो इसे हम क्या बोलते हैं ऑथराइजेशन। सातवां क्वेश्चन देखते हैं, विच रिफर्स टू पेइंग द मनी बैक टू द बायर, ठीक है, आफ्टर द प्राइस हैज बीन डिडक्टेड फ्रॉम द अकाउंट, खाते से कीमत काटे जाने के बाद खरीदार को पैसे वापस करने का क्या मतलब है। भाई जैसे आपने क्या किया, ठीक है, कोई सामान खरीदा, ठीक है, कोई सामान खरीदा और आपके खाते से पैसा कट गया, ठीक है, कोई सामान खरीदा आपके खाते से पैसा कट गया, लेकिन अब क्या हो रहा है, वो सामान आपका क्या हुआ, जैसे मान लीजिए वो सामान आपका घर पहुंच गया और सामान क्या है आपका खराब है, खराब निकला, ठीक है, वो सामान आपका क्या निकला, खराब निकला। अब आपने क्या किया, कस्टमर केयर में कॉल किया, तो वो आपने बताया कि सामान ही खराब है, तो वो क्या करेगा, आपका सामान को बोलेगा रिटर्न कर दो, ठीक है, और आपका जो पैसा जो कट चुका था उस पैसे को आपको क्या करेगा, वापस करेगा, तो वापस करेगा उसी को हम क्या बोलते हैं रिफंड, ठीक है, वापस करेगा उस पर आपने आपके पैसे को, तो उसी को हम क्या बोलते हैं रिफंड, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए रिफंड। ये रिटर्न कब आएगा, जब आपका सामान वापस करेगा, यहाँ पे क्या है, जब ये आपका पैसा वापस करेगा उसको हम क्या बोलते हैं रिफंड, और जब आपका सामान को वापस करेगा, ठीक है, सामान को वापस लेगा उसको हम क्या बोलते हैं रिटर्न, ठीक है। आठवां क्वेश्चन देखते हैं, विच कार्ड परमिट्स ऑनलाइन पेमेंट यूजिंग बैलेंस अमाउंट अवेलेबल इन बैंक अकाउंट, कौन सा कार्ड बैंक खाते में उपलब्ध शेष राशि का उपयोग करके ऑनलाइन भुगतान करने की अनुमति देता है, ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, क्यों भाई, आप एक जो बैंक खाता होता है, बैंक खाते में आपका पैसा रहेगा, ठीक है, वही पैसा तो आपको डेबिट कार्ड से कटता है ना, डेबिट कार्ड को ही हम क्या बोलते हैं एटीएम कार्ड बोलते हैं, ठीक है, और क्रेडिट कार्ड क्या होता है, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का जस्ट उल्टा होता है, आपके खाते में पैसा नहीं है, बैंक खाते में आपका पैसा नहीं है, फिर भी आप जो अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं उस कार्ड को क्या बोलते हैं पूछेगा, मान लीजिए, तो उसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए क्रेडिट कार्ड, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अगर आपके खाते में बैलेंस है, पैसा है और आपको किसी कार्ड से पैसे निकालना है, तो उस कार्ड को हम क्या बोलते हैं डेबिट कार्ड। नवा क्वेश्चन देखते हैं, विच इज द सेट ऑफ रूल्स दैट लिमिट्स एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, सूचना तक पहुंच को सीमित करने वाले नियमों का समूह का कौन सा समूह है, ठीक है, तो नवा का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है, विच इज द सेट ऑफ रूल्स दैट लिमिट्स एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, ठीक है, सूचना तक पहुंच को सीमित करने वाले नियमों का समूह है, ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी कॉन्फिडेंशियलिटी। दसवां क्वेश्चन देखते हैं, विच इज द प्रोसेस ऑफ एंश्योरिंग द डेटा ट्रांजेक्शन कम्युनिकेशन और डॉक्यूमेंट्स आर जेन्यून, ठीक है, डेटा लेन देन संचार या दस्तावेज वास्तविक है, ठीक है, जेन्यून है, जेन्यून है मतलब, ठीक है, उसमें कोई कमी नहीं है, कोई किसी प्रकार का फ्रॉड नहीं है, ठीक है, तो यह सुनिश्चित करने की प्रक्रिया कौन सी है, ठीक है, तो दसवां का ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर सी ऑथेंटिसिटी, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा भाई, आप ISI मार्क्स जैसे है ना, आप जैसे कोई गैस चूल्हा का कोई सामान लेने जाते हैं, ठीक है, या फिर गैस चूल्हे का आप क्या लेने जाते हैं, वो पाइप लेने जाते हैं, ठीक है, गैस पाइप, ठीक है, गैस चूल्हा का आप क्या लेने जाते हैं, गैस पाइप या गैस चूल्हा लेने जाते हैं, तो आप हमेशा बोल दुकानदार को बोलते हैं भैया मुझे ISI मार्क का ही दिखाना, तो ठीक है, तो ये जो क्या होता है ISMI, मतलब इससे आपको क्या पता चलता है कि वो जो प्रोडक्ट है आपका जेन्यून है, ठीक है, तो ये आपको क्या बताता है, ऑथेंटिसिटी को बताता है, ठीक है।
ग्यारहवा क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ओएलएक्स वेबसाइट। ओएलएक्स से आप क्या करते हैं, ओएलएक्स है ना, क्विकर, ठीक है, ये सब सेम वेबसाइट है, इन सबसे सेम काम करते हैं अपन, तो ओएलएक्स और क्विकर से हम क्या करते हैं। ठीक है, तो ग्यारहवा में आएगा ऑप्शन नंबर बी, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, जैसे आपके पास घर में कोई पुराना सामान है, ठीक है, जो यूज़ नहीं हो पा रहा है, ठीक है, जैसे आपका कोई पुराना साइकिल है, ठीक है, अब आपने बाइक ले लिया है और साइकिल को आप बेचना चाहते हो, तो आप क्या करेंगे, ओएलएक्स वेबसाइट में जाएंगे और उसे आप क्या कर देंगे, एडवर्टाइज़ कर देंगे, तो ठीक है, तो जिसको ख़रीदना होगा वो ख़रीद लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम खरीद और बेच दोनों सकते हैं अपने प्रोडक्ट को। ठीक है, तो ओएलएक्स वेबसाइट का उद्देश्य क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, बारहवा क्वेश्चन देखते हैं अपन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथेंटिकेट्स एंड हैंडल्स क्रेडिट कार्ड पेमेंट फॉर ई कॉमर्स। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स के लिए क्रेडिट कार्ड भुगतान को प्रमाणित और संभालता है। ठीक है, तो बारहवा का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, पेमेंट गेटवे। पेमेंट गेटवे, पेमेंट गेटवे है ना, इसके थ्रू हम क्रेडिट कार्ड भुगतान को प्रमाणित और संभालता है। ठीक है, उसे ऑथेंटिकेट कर सकते हैं और हैंडल कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड के भुगतान को। ठीक है, पेमेंट गेटवे। बारहवा क्वेश्चन देखते हैं, तेरहवा क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ कॉल्ड PDoS। ठीक है, PDoS का फुल फॉर्म क्या होता है, परमानेंट डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। पी का होता है परमानेंट, डी का डिनायल, ओ का ऑफ, और यहाँ पे होगा सर्विस अटैक, परमानेंट डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। ठीक है, तो इसका दूसरा नाम क्या है, इसी को हम और क्या बोलते हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सी फ्लैशिंग भी इसी को कहते हैं, PDoS, PDoS इक्वल टू फ्लैशिंग। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये जो ई कॉमर्स का जो MCQs है वो यहीं पे इंड होता है। ठीक है, तो अब हम लोग नए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।